रतलाम जिले के बड़ायला माताजी क्षेत्र में एक तेंदुआ घुस आया, जिसने पूरे क्षेत्र में जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान तेंदुए ने दो ग्रामीणों पर हमला भी कर दिया, जिससे दोनों ग्रामीण घायल हो गए। हमले के बाद यह तेंदुआ एक मकान में घुस गया, जिसे ग्रामीणों ने बाहर से बंद कर दिया और तत्काल इसकी सूचना रेस्क्यू टीम को दी। सूचना मिलने के बाद कलेक्टर सहित जिले के अन्य अधिकारी और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और बड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए को काबू में किया। मामला शुक्रवार सुबह करीब 7 बजे का है, जहां नाथुराम पाटीदार नामक एक व्यक्ति पर अचानक तेंदुए ने हमला कर दिया। नाथुराम जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से भागा। इस दौरान तेंदुए द्वारा एक और ग्रामीण पर हमला कर दिया गया। हमले के बाद यह जानवर ढालिए नुमा मकान में जाकर छुप गया। इसके बाद ग्रामीणों और क्षेत्रीय पुलिस द्वारा अपने स्तर पर जाल आदि का इंतजाम किया, ताकि वह मकान से बाहर नहीं निकल पाए। घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग का अमला भी मौके पर पहुंच गया, लेकिन इस अमले के पास जानवर को पकड़ने के संसाधन नहीं होने के चलते इसकी सूचना उज्जैन वन विभाग को दी गई। सूचना के बाद वन विभाग की स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची और तेंदुए पर काबू पाया, जिसे गांधी सागर के पास छोड़ दिया गया। JSR टाइम्स के लिए रतलाम से कीर्ति वर्रा की रिपोर्ट।